इंटरप्रिटेशन ऑफ दी जी ठीक है चलिए इ सी जी का मतलब क्या हो गया ई सी जी का मतलब हो गया है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ सो व्हाट इज ईसीजी इट्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ठीक है अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है इट्स एन इंस्ट्रूमेंट इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हार्ट

इलेक्ट्रिक करंट्स को जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हार्ट का उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं एक मशीन से दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ठीक है graph, अब यहां पे आपको कंफ्यूज कंफ्यूजन होगा कि यहां तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है कहिए वो ग्राफ तो नहीं है जो हम यूजुअली जब डॉक्टर आपको बोलता है एडवाइस करता है कि आप ईसीजी करो तो उसके बाद आपको डॉक्टर ईसीजी करवाता है टेक्नीशियन ईसीजी करवाता है तो उसके बाद वो पेपर जो निकलता है जिसपे वो ऐसे ऐसा ऐसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं ऐसी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है तो आप कहेंगे सर ये तो ग्राफ जैसा होता है शायद इसी को ग्राफ बोलते नहीं अब मैं बोल रहा हूं कि जिस मशीन से हम ये ईसीजी करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हार्ट इज वट वी कॉल एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो आप याद रखेंगे मशीन को हम इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ठीक है जिससे हम ईसीजी दिखाते हैं जिससे हम ईसीजी मेजर मेजर करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हार्ट मेजर करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है इस मशीन से तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो होता है कभी कबार इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है तो असल में आप आपको लगेगा कि शायद इस ग्राफ को हमें बोलना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लेकिन नहीं हम इंस्ट्रूमेंट in को मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वहां से हमें हासिल होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राम सो क्लियर इतना आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें पेपर पे मिलती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक है अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ uh, जो है इट वॉज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड इन थोवेन किसने डिस्कवर किया था इन थोवेन ने इसको डिस्कवर किया था ठीक है ना लेकिन जो इस ईसीजी से इस मशीन से जो पहली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाली वो दूसरा साइंटिस्ट था उसका नाम था वैलर तो वैलर वाज़ द सेकंड नेक्स्ट साइंटिस्ट एक्चुअली मेड द फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आउट ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ तो इट वाज़ इन्वेंटेड बाय इंथोवेन एंड द फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ईसीजी वॉज डन बाई वैलर ठीक है अब ये क्योंकि इंथोवेन ने इसको डिस्कवर किया इन्वेंट किया इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को इस मशीन को इस इंस्ट्रूमेंट को इसी वजह से इंथोवेन इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ फादर ऑफ इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी ठीक है ना सो इंथोवेन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ठीक है अब चलिए जब भी जो भी आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हम यहां पे एक नॉर्मल एक नॉर्मल जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है हम वो दिखाते हैं यहां पे और उसी को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं ठीक है तो यहां पे मैं दिखाता हूं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक है चलिए तो कुछ इस तरीके का एक नॉर्मल ग्राफ हमें मिलता है दिस इज द नॉर्मल इी ऑफ अ पर्सन ठीक है तो इस ग्राफ इस में हम इस ग्राफ को इन द फॉर्म ऑफ वेव दिखाते हैं ना? हम इन दाइव दिखाते हैं सी जी को दिस वेव इज कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज द क्यू वेव दिस इज कॉल्ड एज द आर वेव दिस इज कॉल्ड एज द एस वेव एंड दिस इज कॉल्ड एज द T wave. wave, 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 wave So this is the ECG of a normal person. हाँ। अब, अब interpret P Q R S क्या दिखाती हैं ठीक है ना चलिए ये जो आप यहाँ दिखाते हैं ये, ये जो ये वाली line है this is called as the बेस लाइन ठीक है ना तो इस बेस लाइन से कुछ waves इस बेस लाइन से ऊपर है जैसे पी वेव इस बेस लाइन से ऊपर है आर वेव इस बेस लाइन से ऊपर है टी वेव इस बेस लाइन से ऊपर है और क्यू और एस वेव इस बेस लाइन से नीचे है तो अब यहां पर जो पी आर एंड टी वेव है इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव वेवस क्या बोलते हैं बेटा शबाश इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव वेव्स और जो यहां बेस लाइन से नीचे वेव्स हैं क्यू एंड एस

हम जानेंगे पी वेव क्या दिखाता है क्यू वेव क्या दिखाता है आर वेव क्या दिखाता है एस वेव और टी वेव अकॉर्डिंगली क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है चलिए सबसे पहले हम जानेंगे पी वेव के बारे में जो पी वेव आप देख रहे हैं एबो द बेस लाइन दिस रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डीपोलराइजेशन दिस रिप्रेजेंट्स द एट्रियल डिपोलराइजेशन वज एट्रियल डिपोलराइजेशन मीन हमें पता है कि हार्ट में फोर चैम्बर्स हैं आप सबको पता है कि हमारा हार्ट जो होता है इसमें फोर चैम्बर्स हैं दिस इज राइट एट्रियम दिस इज लेफ्ट एट्रियम दिस इज राइट वेंट्रिकल दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है हाँ अब चलिए हार्ट में क्या होता है कि जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में कार्डियक साइकिल पढ़ा था कार्डियक साइकिल में हम एक बीट के बारे में पढ़ते हैं कि एक बीट में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं कौन कौन से फेजेस आते हैं जैसे ये हार्ट है इसे कंट्रैक्ट किया रिलैक्स किया दिस इज वन बीट कंट्रैक्ट रिलैक्स दिस इज वन बीट ठीक है ना अब इस कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है सबसे पहले आप याद रखेंगे जो ये चार चैंबर्स है हार्ट के इसमें सबसे पहले जो कंट्रैक्ट करते हैं जो चैंबर्स होते हैं एट्रिया मींस राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर द फर्स्ट टू दैट आर गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ठीक है ना तो ये जो ये डिपोलराइजेशन होता है डिपोलराइजेशन मीन्स कंट्रैक्शन डीपोलराइजेशन मीन्स कंट्रैक्शन और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज सिस्टॉल ठीक है ना बेटा तो सबसे पहले पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन यानी कि एट्रियाज की कंट्रैक्शन या सिस्टोल ऑफ द एट्रियाज ठीक है ना दिस इज व्हाट वी मीन बाय द एट्रियल डिपोलराइजेशन एंड एट्रियल डिपोलराइजेशन इज शोन बाय द पी वेव ठीक है ना हाँ, अब अगर इस तरीके की पी वेव होगी तो हम कहेंगे कि दिस पी वेव, यानि कि एट्रिया अच्छी तरीके से कंट्राक्ट कर रहे हैं इसमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो इससे हमें पता चलेगा कि एट्रिया अच्छी तरीके से कंट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं ठीक है ना अब इसके बाद जो आप ये वाला देख रहे हैं क्यू आर एस इसको हम बोलते हैं क्यू आर एस कंप्लेक्स क्या बोलते हैं बेटा शबाश इसको हम बोलते हैं क्यू आर एस कंप्लेक्स अब ये क्यू आर एस कंप्लेक्स हमें क्या दिखाता है क्यू आर एस कंप्लेक्स हमें दिखाता है वेंट्रिक्यूलर इट शोज द वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन डज इट शो इट शोज द वेंट्रिक्यूलर डीपोलराइजेशन ठीक है

लेकिन यहां पे मैंने रिलैक्स का नहीं दिखाया एट्रियाज किस तरीके से रिलैक्स करते हैं आप याद रखिए जो एट्रियास का रिलैक्स रिलैक्सेशन होता है उसको हम बोलते हैं एट्रियल इसको हम कहते हैं एट्रियल रिपोलराइजेशन शाबाश उसको हम कहते हैं एट्रियल रिपोलराइजेशन एट्रियल रिपोलराइजेशन एक्चुअली होता है आफ्टर एट्रियल डिपोलराइजेशन, लेकिन हम यहाँ पे क्यों नहीं लिखते हैं एट्रियल डिपोलराइजेशन के बाद हम क्यों नहीं लिखते हैं एट्रियल रिपोलराइजेशन इस वजह से नहीं लिखते हैं कि एट्रियल रिपोलराइजेशन एट्रियाज का जो रिलैक्सेशन है याद रखेगा रिपोलराइजेशन मीनस रिलैक्सेशन आप याद रखेंगे रिपोलराइजेशन मीनस रिलैक्सेशन अगर रिपोलराइजेशन का मतलब है कंट्रैक्शन तो रिपोलराइजेशन का मतलब है रिलैक्सेशन ओके okay?

है, ठीक ना? तो आप याद रखेंगे, कि पहले करते, है, करते हैं, उसके बाद होता है कि करते हैं, उसके बाद होता है यह कंप्लेक्स हमें दिखाता है QRS wave जो है, ये complex हमें दिखाता वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन यानी कि वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन अब जब पहले एट्रिया ने कंट्रैक्ट किया उसके बाद एट्रियल रिपोलराइजेशन एट्रिया ने, ने रिलैक्स किया अब उसके बाद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल्स ने, ने कंट्रैक्ट किया अब क्या होगा अब होगा सीधे वेंट्रिक्युलर रिलैक्सेशन यानी कि इसके बाद होगा जो लास्ट पे हमें वेव बचती है दैट इज टी वेव व्हाट डस टी वेव शो टी वेव शो वेंट्रिक्यूलर वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन

हैं तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन भी कह सकते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टॉल भी इसको हम बोल सकते हैं तो इस तरीके से आप जान सकते हैं इस तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये पी वेव्स क्यो वेव आर वेव एस वेव टी वेव हमें क्या दिखाता हैं, है ठीक है ना तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स डिफरेंट शोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस दैट एक्चुअली टेक प्लेस इन द हार्ट ठीक है हाँ तो एक्चुअली ये डिपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन कैसे होता है वो हम अलग वाले वो हम मसल कंट्रैक्शन में पढ़ेंगे या हम सेल बायोलॉजी में एक टॉपिक है हमें जैसे एक्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पेसिव ट्रांसपोर्ट उसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि ये डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन कैसे होता है दरअसल जो सेल होती है जो सेल का मेम्ब्रेन होता है इस सेल के मेम्ब्रेन के एक ट्रांसपोर्ट होता है आइनस का ठीक है ना क्या होता है आयन का ट्रांसपोर्ट होता है जैसे मैं डिपोलराइजेशन की बात करूं डिपोलराइजेशन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो सेल के अंदर चले जाते हैं ठीक है ना और रिपोलराइजेशन में पॉजिटिव आयन सेल के बाहर चले जाते हैं ठीक है ना तो कॉन्ट्रैक्शन में पॉजिटिव आय इन रिपोलराइजेशन पॉजिटिव कम आउट ऑफ द सेल ठीक है ना ये हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल आप आपको यहां पे ईसीजी में यही याद रखना है कि ये पी वेव 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 क्यू आर एस टी हमें यही डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन का फिनोमेना हमें दिखाते हैं दैट हाउ एग्जैक्टली द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट Contract and relax. Okay, na? Hope you have understood this topic. We'll meet in the next lecture with a new video. Till then, thank you very much.